25 साल बाद उस गंभीर मुद्दे पर डिस्कशन के लिए खड़े हैं जिससे पूरे देश की आत्मा झंझोड़ी गई। आज क्योंकि जो हमारे आदरणीय मेंबरान ने पहले अपने ख्यालात रखे और शेर भी बोले, मैं वैसे इस दुख के समय पे सबसे पहले जो हजारों जिनको आप दंगे कहते हैं, दंगों में कत्लेआम हुआ है, जो हजारों बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ है, मैं उसको कत्लेआम कहता हूं, दंगा नहीं है। और जिन हमारी बहनों के साथ बलात्कार हुआ है, जो इस देश की धरती पर बेगुनाहों के खून की होली खेली गई, मैं अपने भाषण से पहले मैं उन महान शहीदों को जिनकी जान इस देश के एक षड्यंत्र के तहत, एक कैलकुलेटेड कंपेन के तहत, एक प्लानिंग के तहत ली गई, सबसे पहले मैं उनको अपनी ओर से, अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी की ओर से इस सदन में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और उन बहनों के साथ हमदर्दी प्रकट करता हूं जिनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ। हमें इस देश में मेरे से पहले जो बातें कह दी गई मैं उनको दोहराऊंगा नहीं, सदन का समय कीमती है, लेकिन इस देश की आजादी में, इस देश को बनाने में, इस देश को संभालने में, और जब अब्दाली आता था उस देश, उस हमलावर से, विदेशी से, इस देश की अबला की चुन्नी को बचाने के लिए अगर कोई आगे निकलकर मैदान में आया तो वो इस देश का सिख था। जिन लोगों ने इस देश की अबला की इज्जत अब्दाली से बचाई, देश की आजादी के बाद उनकी बहु बेटियों की इज्जत के साथ खलबाड़ हुआ, इससे ज्यादा शर्मनाक देश और देश के शासकों के लिए क्या हो सकता है। ये कहते हैं कि जख्म भर जाएं, जख्म ना करे दे जाएं, जख्म नहीं भर पाएंगे जब तक इंसाफ नहीं होगा। बातों से जख्म भरने वाले नहीं मेरे भाई, 25 साल हो गए। अब मेरे साथियों ने शेर सुनाया, मैं भी सुना रहा हूं। दुख का शेर है, कहते सोचा था बहार देखेंगे, सोचा था बहार देखेंगे, हर कली पे बुलबुल का प्यार देखेंगे, हमें क्या मालूम आलम है, इस गुलशन में अपनी ही मजार देखेंगे। ये आपने किया है, इतिहास इसके लिए आपको कभी माफ नहीं करेगा। हम ये इतिहास, अब जो हम 84th का इंसिडेंट है, थोड़ा सा हम इतिहास की ओर जाना चाहेंगे। आजादी जिसे हम कहते हैं, अगर हम उसको देखें, आजादी के लिए शहीद भगत सिंह ने फांसी के रस्से को चुमा, आजादी के लिए शहीद ऊधम सिंह ने जाके जनरल डायर से बदला लिया जलियांवाले बाग के साके का, लेकिन जब पावर ट्रांसफर हुआ,
जब देश अपने में सम्मान के रहने का वक्त आया तो तभी इस देश के गृह मंत्रालय ने एक सर्कुलर जारी किया। क्या सर्कुलर में मेंशन किया कि सिख एक जराइम पेशा लोग हैं, इनके ऊपर नजर रखी जाए। आप कहते हैं जख्म भर दो, आप कहते थे कि आजादी के बाद सम्मान देंगे, लेकिन आजाद के बाद एक पत्र हर जिले के डीएम को भेजा गया कि सिख एक जराइम पेशा लोग हैं, इनके ऊपर नजर रखी जाए। आपकी नियत और आपकी दिशा का उस पत्र से पता चल गया था कि आप किस देश को किस ओर चलाना चाहते हैं। और उसके बाद लैंग्वेज बेस्ड स्टेट की बात चली, पंजाबी जवान के आधार पर सूबा बनाने के लिए मोर्चे लगाने पड़े, और हमें अफसोस है कि जब पंजाबी लैंग्वेज का सेंसस हुआ, जनगणना हुई, आप अकेले ही जिम्मेवार नहीं है 84th के, हमारे कुछ भाई इधर भी बैठे हैं, मैं ये भी कहने से संकोच नहीं करता, जब 1961 में पंजाबी भाषा की जनगणना हुई तो पंजाब की धरती पे पंजाबी मां बोली से नानसफी की मुहिम जनसंघ ने भी चलाई। बोलते पंजाबी थे तो पेपरों में हिंदी लिखा रहे थे। ये डिस्क्रिमिनेशन, ये सब इसमें शामिल है जो आज हम जहां खड़े हैं। ये जहां तक जो बात पहुंची है, आप जो आजादी के बाद आपने किया क्या है, हम ये देखते हैं कि क्या कर रहे हैं आप। आप इस देश में आरएसएस कहती है कि हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान, इस देश को हिंदुस्तान बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी भी बड़े जी जान से लगी रही है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कांग्रेस एंड बीजेपी? बीजेपी स्टैंड्स फॉर मोनोपोली ऑफ हिंदुत्व एंड कांग्रेस स्टैंड्स फॉर डोमिनेंसी ऑफ हिंदुत्व। इसलिए आजादी के बाद जो 62 ईयर का टाइम बीता है, इसमें सिखों का कत्लेआम हुआ, दरबार साहब के ऊपर हमला हुआ और ये कह दिया गया कि वहां आतंकवादी थे, इसलिए हमने हमला किया। मैं आपको पूछता हूं कि मस्जिद में कौन से आतंकवादी थे? आपने मस्जिद भी तोड़ी है, आप चर्चों को भी तोड़ते हैं, चर्च में कौन सा आतंकवादी है? ये एक नीति है जिसमें आरएसएस ने धर्म परिवर्तन पर लिखा है कि जो व्यक्ति अभी अभी धर्म परिवर्तन करता है, हिंदुओं को मात्र उसे एक व्यक्ति का घाटा नहीं मानना है बल्कि एक शत्रु की बढ़ोतरी मानना है, तो ये माइनॉरिटी को शत्रु समझ के ट्रीट किया गया है। अफसोस इस बात का है कि जब सिख को जलाया जाता है, जब सिख बहु बेटियों का अपमान होता है तो मुस्लिम चुप रहता है, जब मुस्लिम की बड़ी आती है तो सिख चुप रहता है, और जब क्रिश्चियन जलता है तो सिख और मुस्लिम दोनों चुप रहते हैं। लेकिन आप ऐसे देश की ऐसी घटनाएं देश की एकता और अखंडता के लिए बड़ा खतरा है, और जो 25 साल तक किसी को अभी तक सजा ना देना, अभी तक भी हम ये कहते हैं कि हम कंपनसेशन दे रहे हैं, लेकिन हमें सलाह दी जाती है कि आप अब जख्म ना करे दो, आप भूल जाओ, और 25 साल तक अभी कंपनसेशन की बात, और अब बोल रहे हैं कि हमने माफी मांग ली है, प्राइम मिनिस्टर ने माफी मांग ली है। ये बड़ी अच्छी बात है, जिनको जलाया गया, जिनको मारा गया, उनसे ही माफी मंगवा दी है, आपसे सूझबान और सयाना कौन हो सकता है? इतने समझदार कि जिनका कत्लेआम हुआ, जिनको तेल पाके जलाया गया,
जिनकी बहू बेटियों के पेट के बच्चे मार दिए गए, उनमें से ही एक को खड़ा करके बोल दिया कि हम माफी मांगते हैं, हम शर्मसार हैं। शर्म तो करनी चाहिए जिस परिवार की वजह से ये हुआ है, उनको माफी मांगने के लिए तो उनको आज आज ना घंटी बजाओ, 25 साल बाद खड़े हुए हैं। 25 साल का समय आपने लगा दिया और आज यहां पर जुडिशरी पर भी सवाल उठे हैं और सरकार की तरफ से हमारे आदरणीय मेंबर ने बोला हमारे कानून में खामियां हैं। कानून तो तब भी वही था जब एक देश की प्राइम मिनिस्टर की हत्या के लिए जिम्मेवार दो को फांसी लगा दी गई। कानून में कोई खामी नहीं, खामी आपकी नीयत में है, खामी आप में है। कानून तो वही है जब एक फौज के जनरल की हत्यारे को 6 महीने में सजा दे देते हो आप, और कानून तब भी वही है जब मस्जिद तोड़ने वालों को 17 साल तक सजा ना मिले, और कानून तब भी वही है जब सिखों को जलाने वालों को 25 साल तक कोई सजा ना दे। कानून में कोई कमी नहीं है, इंप्लीमेंट करने वालों में कमी है, हुक्मरान में कमी है। और हमारे आदरणीय मेंबर आलूवालिया जी ने कहा कि भाई आपने कोई बात नहीं, चले गए तो कहीं ना कहीं तो सुनते ही होंगे कि भाई आपने जब ब्लू स्टार ऑपरेशन किया तो आप ले आए वहां से हमारे ऐतिहासिक दस्तावेज, आप हमारे उन ग्रंथों को ले आए जिनमें हमारी आस्था है, आप हमारे उन रिलीजियस सिंबल्स को ले आए जिनमें हमारी आस्था है, आप वापस करो ये सिखों की आन और शान जो आप संभाल के बैठे हैं, पता नहीं कैसे आप उनका अपमान कर रहे हैं, इसके लिए तो न्यायपालिका को पूछने की जरूरत नहीं, आप वापस करो। ये उन्होंने कहा, अच्छी बात की, लेकिन मैं उनको भी पूछता हूं कि 6 साल आप सत्ता में रहे, आप बताओ आपने क्यों ना वापस किए, आपने सिखों का सम्मान क्यों ना बहाल किया। आप 6 साल सत्ता में रहे और हमारे अकाली भाई, उनकी भी गलती रही है, मैं महसूस करता हूं उनकी तरफ से भी गलती रही, बिल्कुल ना जाते एनडीए की सरकार में, हमने एक वोट से गिरा दी थी सरकार। आप कहते हम नहीं लेंगे मंत्री, मंत्रिमंडल में नहीं शामिल होंगे, सपोर्ट अनकंडीशनल नहीं करेंगे, हम 84 के दंगों का न्याय चाहते हैं और अपना सम्मान वापस चाहते हैं, फिर करेंगे सपोर्ट। तो मैं समझता हूं शायद उस वक्त भी इंसाफ मिल सकता था, वो मौका गवा दिया हम। समाप्त कीजिए।